हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के इन डेप्थ रिवीजन की बात करने जा रहे हैं, मतलब हम लोग डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। मैंने रिवीजन प्लान पहले से ही शेयर कर रखा है उस सीरीज़ में, ये हमारा पहला वीडियो है। आप लोगों ने रिवीजन सीरीज़ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं कि मैं सीरीज़ को चालू रखूँ। बिल्कुल ये सीरीज़ चालू रहेगी, मेरी तबीयत ख़राब होगी तब भी मैं कोशिश करूँगा कि चालू रखूँ। यार थोड़ी सी गले में दिक्कत है, थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। अगर बीच में मैं खांस वूस दूंगा तो फिर थोड़ा सा है ना टॉयलेट कर लेना यार उतना, क्योंकि आ सकती है खांसी, गले में थोड़ी सी दिक्कत है ना। दवाई खा ली है लेकिन फिर भी आ तो सकती है खांसी का, क्या कह सकते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं हम लोग बात केमिकल बॉन्डिंग के रिविज़न की। केमिकल बॉन्डिंग के रिविज़न के लिए हमें जो सबसे ज़रूरी बात थी वो हमें थ्योरीज पढ़नी थी। लुईस थ्योरी को हम लोग, मैं ये मान रहा हूँ कि जो लोग भी एडवांस देने जा रहे हैं उन्हें ये पता है कि लुईस का ऑक्टेट रूल था। वो कहता था हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन बना लेगा और स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा। लेकिन बाद में ऐसे कंपाउंड्स मिले जो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, उनमें हाइपरवेलेंट कंपाउंड भी थे जिनकी वैलेंसी 8 से ज़्यादा आ रही थी और हाइपोवेलेंट कंपाउंड भी थे जिनकी वैलेंसी 8 से कम आ रही थी। हाइपोवेलेंट जैसे कि BH3 जैसे कंपाउंड या B2S6 कह लें या BF3 कह लें, और हाइपरवेलेंट जैसे SO4 2-। तो ऐसे कंपाउंड्स के बारे में लुईस कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो हमें इसके आगे की कहानी को अब पढ़ना है। मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से JEE एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की। सबसे पहले जरूरी कोवेलेंट बॉन्ड ही है तो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड ही पढ़ेंगे मेन। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में फजान्स रूल में डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग सीक्वेंस जो रहेगा टॉपिक का मैं बता देता हूं कि सबसे पहले हम लोग मतलब ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, फिर बॉन्डिंग थ्योरीज पढ़ेंगे और फिर फजान्स रूल और डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन करते हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे पहुंचेंगे और वहां पे जाके इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड जो थे वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने थे, उनकी टाइप हमें देखनी है। तो बताओ भाई कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। पहला टाइप हो सकता है सिग्मा। ठीक, इसे हम क्या पढ़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड पढ़ेंगे। दूसरा होता है कौन सा, पाई बॉन्ड, इसे हम PIE पढ़ लेते हैं, पाई बॉन्ड। तीसरा जो है हमारा वो है डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड्स को अगर हमें पढ़ना हो, ये तुम लोगों ने शायद पहली बार सुने हो कुछ लोगों ने कि डेल्टा बॉन्ड भी होते हैं, तो इसे डेल्टा बॉन्ड कहते हैं, बताऊंगा क्या होते हैं। तो ये डेल्टा बॉन्ड होगा। तो तीन तरह के बॉन्ड हैं, सिग्मा, पाई और डेल्टा अभी फिलहाल के लिए हमारे पास। तो ये बॉन्ड बने कैसे होंगे इनके बारे में हमें पढ़ना है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एक और नई हेडिंग डाल लेते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सबसे पहली टाइप की जो ओवरलैपिंग हमें पढ़नी है दैट इज कॉल्ड SS ओवरलैपिंग। मैं ये मान ले रहा हूं कि तुम लोगों को यह बात पता है कि S ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। अगर नहीं पता है तो फिर भी बात कर लेते हैं कि S ऑर्बिटल कैसा है। S ऑर्बिटल स्फेरिकल है, ठीक। P ऑर्बिटल डंबल है, D ऑर्बिटल डबल डंबल है और F ऑर्बिटल्स की शेप फ्लावर शेप है, ठीक है। अब अगर हमें SS ओवरलैप करना है तो हमने क्या किया कि ये एक इंटर न्यूक्लियर एक्सेस बना ली। इंटर न्यूक्लियर एक्सेस इन जनरल हमारी जेड एक्सेस होती है, ठीक। इस पे एक एस ऑर्बिटल आया प्लस एक और एस ऑर्बिटल आया, दो एस ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया तो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बनी होगी।
दो ऐसे ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया तो इस तरह की ज्योमेट्री बनी होगी। छोटे बड़े साइज में देखना अगर वो गोले सेमी साइज के हैं तो ये जो आ गया, ये आ गया हमारे पास क्या, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग एरिया। और ओवरलैपिंग एरिया बॉन्डिंग कैसी हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। कैसी हो रही है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस हो रही है। Along the internuclear axis bonding हो रही है। Along the internuclear axis जब भी bonding होती है तो sigma bonds are formed। अगर along the internuclear axis bonding होगी तो हमेशा क्या बनेंगे, sigma bond बनेंगे। इस बात का हम लोग ध्यान रख पाएंगे कि sigma bond बनना है, ठीक। अब s और s orbital आपस में overlap किए, s orbital कैसा था, spherical था, उसने overlapping करी, overlapping area से हमें क्या पता लग गया कि इससे क्या बनना है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक। अब इस बात को अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं पॉइंट बना के कि व्हेनेवर, आगे के लिए याद रहेगा, व्हेनेवर द बॉन्डिंग टेक्स प्लेस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक। अब दूसरे टाइप की ओवरलैपिंग कौन सी हो सकती है, नंबर बी लिख लेते हैं, बी नंबर पे लिखते हैं एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग में क्या होगा, एसपी ओवरलैपिंग में इंटरन्यूक्लियर एक्सेस तो हमारी वही रहेगी, तो एक एस ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। और ओवरलैपिंग के बाद कैसी सिचुएशन दिखाई देगी कि एक एस ऑर्बिटल था और इससे एक पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया, तो ये वो एरिया जो आ गया वो हमारा क्या आ गया, ओवरलैपिंग एरिया आ गया। और इससे भी कैसा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक। अब कहो कि ये अगर एक्सिस हमारी कैसी है, ये एक्सिस हमारी कौन सी है, जेड एक्सिस है। अगर ये एक्सिस जेड एक्सिस है तो ये ऑर्बिटल कौन सा होगा, पी जेड। हम लोग जानते हैं कि पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तो ये पी जेड होगा। अगर तुम ये कहोगे कि सर अगर हम पी एक्स ऑर्बिटल ले लें, पी एक्स ऑर्बिटल ले लोगे तो जो एस ऑर्बिटल है वो अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेगा कि वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को चेंज करके एक्स एक्सिस पे चला जाएगा, ठीक। तो हम उसे कहेंगे कि क्या है कि उस केस में भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, ठीक। अब अगर मैं उसे एग्जाम्पल दे के बताऊँ तो देखो, अगर मान लो कि ऑर्बिटल इस तरह से बना दें तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसी हो जाएगी और एस ऑर्बिटल यहां से ओवरलैप कर लेगा, तो इससे भी क्या बनेंगे, इससे भी हमारे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यही रहे, एक एस ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से अगर ऐसे ओवरलैप करे, और कोई कह सर मैं ऐसा अगर डायग्राम बना दूं तो इसमें दिक्कत क्या है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो कभी भी परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स कंबाइन नहीं करेंगे सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये बात समझ में आनी चाहिए क्लियर कट सबको, ठीक। तो नो बॉन्डिंग है, ये इसमें बॉन्डिंग नहीं हो रही है। तो हम ये कह लेंगे जब भी एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं या एस पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। जब भी एस एस ऑर्बिटल और एस पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं सी पार्ट की, जिसे कहते हैं पीपी ओवरलैपिंग। जिसे क्या कहते हैं, पीपी ओवरलैपिंग कहते हैं। पीपी ओवरलैपिंग में क्या होगा, एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से दो तरीके से ओवरलैप कर सकता है,
एक तो अगर मैं इसे नाम रखूं, दो तरह से पीपी ओवरलैपिंग हो सकती है, एक तो एंड ऑन हो सकती है और एक साइड ऑन हो सकती है। साइड ऑन का मतलब कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी जेड एक्सिस है और ये ऑर्बिटल पी एक्स है और ये भी पी एक्स है, तो जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो कुछ इस तरह का ओवरलैपिंग होगा होगा, तो जो ओवरलैपिंग एरिया आएगा वो ये आ जाएगा। अब ये ओवरलैपिंग एरिया बिल्कुल ऐसा है कि देखो, जैसे अगर मैं पेन की टिप देखूं तो ये जब हम ढक्कन कैप लगा रहे हैं तो ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसे साइड वाइज रखूंगा तो ये क्या होगा, गिर जाएगा। ये टेंजेंशियली टच कर रहे होंगे, इससे ज़्यादा इनमें ओवरलैपिंग एरिया होगा नहीं, तो ये परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। कैसे हैं? परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हैं, सो दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अलोंग द एक्सिस कैसी बॉन्डिंग होगी, सिग्मा, और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस बॉन्डिंग कैसी होगी, पाई। ठीक, अब ये तो ओवरलैप हो गया हमारा कैसे, साइड ऑन। अगर हम एंड ऑन ओवरलैप करें तो क्या होगा कि अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप कर देंगे, तो यही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है हमारी। ये ऑर्बिटल कौन से होंगे, पी जेड और पी जेड। अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बॉन्डिंग होगी तो कैसा फिगर बनेगा, ये इससे बॉन्ड कर रहा होगा, ये इससे बॉन्ड कर रहा होगा, सिंपल। तो ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये क्या आ गई, ये जो ओवरलैपिंग एरिया आया ये क्या आ गया, ये आ गया सिग्मा बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल बातों से शुरू कर रहा हूँ इसीलिए बताना है ना। अब एक पी ऑर्बिटल जो पी जेड है वो कभी भी पी एक्स ऑर्बिटल से ओवरलैप, पी एक्स या पी वाई से ओवरलैप नहीं कर सकता, ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक, अब बात करते हैं पीडी ओवरलैपिंग की। पीडी ओवरलैपिंग नंबर इसे लिख लेते हैं 3। पीडी ओवरलैपिंग में क्या होगा, ये भी दो तरह की होंगी, ये भी कैसी होगी, कोएक्सियल होगी या फिर कोलैटरल होगी, कोएक्सियल होगी या कोलैटरल होगी। ठीक, कोएक्सियल होगी या कोलैटरल होगी। अब जब एक पी एक्स या पी जेड ऑर्बिटल दूसरे डी जेड स्क्वायर से कंबाइन करेगा, डी जेड स्क्वायर बना रहा हूं ये ध्यान रखना, तो ये जेड एक्सिस है तो इससे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ध्यान रखना बिल्कुल भाई, ये डी जेड स्क्वायर है तो ये कोएक्सियल हो गई। इसी तरह से अगर कोई पी एक्स ऑर्बिटल है तो वो कोएक्सियल ऑर्बिटल कौन सा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये भी ओवरलैप करके क्या बना देंगे, सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। ठीक, तो ये भी क्या बना देंगे, सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, तो इसे हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग कहेंगे। ठीक, अगर हम परपेंडिकुलर टू द एक्सिस बॉन्ड बनाना चाहें तो ये पी वाई ले लेते हैं, और जो इन बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल हैं वो बनाएंगे हमारा पाई बॉन्ड। अगर मैं दूर से इंडिकेट करूं तो ये इससे ओवरलैप करेगा, ये इससे ओवरलैप करेगा। ठीक, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा पाई बॉन्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए किसी को भी, आसानी से मेरी बात समझ में आनी चाहिए ही चाहिए। ठीक, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है, अब बात करते हैं डी डी ओवरलैपिंग की। नंबर 4, डी डी ओवरलैपिंग
अगर मैं डायग्राम नहीं बनाऊं तब भी चल जाएगा कि जब डी जेड स्क्वायर से ओवरलैप करेगा तो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से ओवरलैप करेगा तो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक, जब डी एक्स वाई से ओवरलैप करेगा अलोंग द जेड एक्सेस, जेड एक्सेस को हम क्या मान लें, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस मान लें। जेड एक्सेस क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस जेड एक्सेस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस क्या है, जेड एक्सेस है। तो इससे क्या बनेंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पाई बॉन्ड्स बन जाएंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाएंगे पाई बॉन्ड। बात समझ में आनी चाहिए। ये सारे ही ओवरलैप टू लोब इंट्रैक्शन से आए, टू लोब इंट्रैक्शन का मतलब क्या है यार, देखो कि दो ऑर्बिटल थे डी के और इधर भी दो थे तो ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे थे। ठीक, तो डी एक्स वाई से ओवरलैप ऐसे कर रहा था तो पाई बॉन्ड बन रहा था, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस थंब को मान लेते अपनी। अब क्या हो कि हमारे पास चार लोब हैं एक्चुअली, तो चार लोब में से अभी तक दो ऐसे ओवरलैप कर रहे थे, ये दो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे ये वाले दो। ठीक, ऐसा भी तो हो सकता है कि चारों इस प्लेन में आ जाए और ऐसे ओवरलैप करने लगे। तो जब फोर और लोब इंट्रैक्शन होता है तो उस टाइम पे बनते हैं हमारे डेल्टा बॉन्ड। क्या बनते हैं, डेल्टा बॉन्ड। कैसे बनाएंगे डेल्टा बॉन्ड, कि अगर मैं बताऊं, 3D में बनाना पड़ेगा फिगर, तो 3D में ड्राइंग करने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश कर रहा था, लोब गलत बन गया। ठीक, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल इसका भैया ही बन जाना चाहिए जिससे। ठीक, ये दोनों अलग अलग प्लेन में, अब इनमें वो इंट्रैक्शन कैसे होगा, ये लोग इससे इंट्रैक्ट करेगा, ये लोग इससे इंट्रैक्ट करेगा, ये इससे इंट्रैक्ट करेगा और ये इससे इंट्रैक्ट करेगा। तो इसमें फोर लोब इंट्रैक्शन है, क्या है, फोर लोब इंट्रैक्शन है, तो इससे बनेंगे डेल्टा बॉन्ड्स। इससे क्या बन जाएंगे, डेल्टा बॉन्ड्स बन जाएंगे। यहां तक मेरी बात सबको समझ में आनी चाहिए। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली किसकी, हम लोगों ने बात कर ली टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की। मेरी बात क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग थ्योरीज की। तो हैंग डाल लेते हैं बॉन्डिंग थ्योरीज। बॉन्डिंग थ्योरीज में सबसे पहली थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम VVT भी जानते हैं। सेकंड इज हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, ठीक, इसे तो कोई नाम नहीं देने की जरूरत है। थर्ड इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, एंड फोर्थ इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फोर्थ इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम MOT के नाम से जानते हैं, और इसे हम जानते हैं VSEPR थ्योरी के नाम से। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब एक एक करके हम चारों थ्योरी पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक, सबसे पहले शुरू करते हैं VVT की बात। VVT क्या कर रही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, कि ये क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जो वैलेंस शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है केवल वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं लिख नहीं रहा हूं थ्योरी को, इस बात को अगर कॉपी में लिखना हो तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखते जाओ कि क्या, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सेज दैट ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर अनपेयर्ड टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। ठीक, तो
जैसे अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना चाहें तो हाइड्रोजन में क्या है, 1H, तो इसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लिया अपना, दोनों ने कंबाइन किया 1H1 ने, और यहाँ पे क्या बना दिया, H2 बना दिया, और H2 का कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ गया, ऐसा आ गया, ठीक, बहुत बढ़िया रहा। अगर हम HCl ले लेते तो H का तो 1H1 था तो एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के केस में 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, तो 1H2, 2H2, 2P6, 3H2 और 3P5 तक जाएगा, जाएगा। अब 3P5 तक गया तो फिफ्थ हमने 3P को बना लिया, हंट्स रूल से पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और फिर पलट के दे दिया, तो देखो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बचा, एक, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ के कंबाइन हो जाएगा और HCl का कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास बन जाएगा। सिंपल थ्योरी है, कितनी अच्छी है, मज़ा आया, समझ में आ रही बात बिल्कुल बढ़िया से, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जब ये बात होने लगी तो लगा कि सब कुछ सही चल रहा है। जैसे अगर एक एग्जांपल और ले लें नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का एग्जांपल लोगे तो नाइट्रोजन का अपने आप बना के देखना यार, बन जाएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, नाइट्रोजन ड्रॉ करके देखना कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो मैं ही बना देता हूँ, तुम छोड़ो। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा, 1H2, 2H2, 2P3, तो P के तीन ऑर्बिटल थे, इनमें तीन अपने इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं और तीन दूसरे वाले नाइट्रोजन के, तो तीन बॉन्ड ने तीन बॉन्ड बनाए तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन आ गया। सिंपल बात थी, आसानी से जीवन कट रहा था। ऑक्सीजन का भी इसी तरह से बन जाएंगे। दिक्कत कहाँ पे आई, जब हमने वाटर का स्ट्रक्चर बनाने की सोची, वाटर का जब स्ट्रक्चर बनाने की सोची तो ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 1H2 सिग्मा नहीं लिखना, 1H2 लिखना है ना, 1H2, 2H2, 2P4। बहुत बढ़िया कहानी चल रही थी किसकी, अभी तक VBT की, चार इलेक्ट्रॉन थे, दे दिए दो अनपेड इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास तो 1H1 एक ही है, तो क्या हुआ कि ये दो हाइड्रोजन ऐसे मिले होंगे और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा यहाँ पे, और यहाँ से हाइड्रोजन बन जाना चाहिए था, H2O वाटर बन जाना चाहिए था, सही बात है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस ऑर्बिटल का नाम रख लेते हैं PX, इसका नाम रख लेते हैं PY और इसका रख लेते हैं PZ। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्डिंग एंगल आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था, 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, तो बॉन्डिंग एंगल कितना होना चाहिए था, 90 डिग्री। मेरी बात समझ में आनी चाहिए बिल्कुल बढ़िया से, कि क्योंकि PX और PY परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स हैं इसलिए बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक। अब लेकिन ये तो अकॉर्डिंग टू किसके आ रहा है, अकॉर्डिंग टू VBT आ रहा था, बट एक्चुअली एक्चुअली द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर इज व्हाट, बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर इज 104 degree 5 minutes, ठीक। तो यानी कि VBT से हमें सही आंसर नहीं मिल रहा है, कुछ गड़बड़ हो जा रही है जो हमें VBT नहीं बता पा रही, ये बात एकदम समझ में आ जानी चाहिए, ठीक। तो VBT को यहीं से डिस्कार्ड करना शुरू किया कि कुछ मॉलिक्यूल्स पे काम कर रही थी एटॉमिक और मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे VBT लगाना बेवकूफ़ी हो जाती, क्योंकि ये सही सही शेप और बॉन्ड एंगल्स को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, ये दिक्कत थी हमारी, ठीक। चलो भाई आगे बात करते हैं, दूसरी थ्योरी की बात करते हैं, VBT की कहानी खत्म हुई। सेकेंड थ्योरी इज हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्या कर रही है, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ये कह रही है कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, अगर तुम नोट्स लिखना चाह रहे हो तो नोट्स लिख लो, कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा लिखूंगा देखो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा मेरे को लिखने के लिए, समय चाहिए ना, या तो मैं लिख के रख लूँ, तो समय तुम्हारा बचा रहा हूँ, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, फटाफट लिख लो क्या, कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। और इससे जो ऑर्बिटल बनते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, ठीक। तो काम की बात मैं लिख देता हूँ जो जरूरी है,
कि व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स दे फॉर्म टू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, सेम लोअर एनर्जी लिख लेते हैं, बढ़िया रहेगा ठीक। एंड दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड, एंड दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ठीक। इन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, इन ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ठीक। इतनी बात मेरी सबको समझ में आ जानी चाहिए, मैं मान ले रहा हूँ समझ में आ रही है ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम sp ऑर्बिटल्स की s और p ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्सिंग करें है ना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं sp ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग ठीक। तो अगर मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा, इनटू वन लिखना जरूरी है, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा तो इस टाइप का के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। क्या बनाएगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ठीक, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता चलूं तो काम चलेगा। अगर एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर ले, दो p ऑर्बिटल ले लिए, तो इससे यहाँ पे एक मैं ऐसी लाइन खींच लेता हूँ अपने कंफर्ट के लिए, तो ऐसे तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। अगर हम तीन ऑर्बिटल्स को ऐसे अगर हम इंटरमिक्स करें, देखना एक बहुत ही काम की बात बता रहा हूं, तो ऐसे चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे हमें ठीक, ऐसे चार मिल जाएंगे। तो अगर हम इन तीनों ऑर्बिटल्स को ध्यान से देखें, किसे किसे, sp sp2 और sp3, तो अगर ध्यान से हम इनमें लाइन खींच दें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे s कैरेक्टर कम हो रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है। देखो जरा ध्यान से ठीक, जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बढ़ रही है। तो लिख लेते हैं s परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीजेस, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, एस करेक्टर जैसे जैसे कम हो रहा है ना, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस करेक्टर आने की वजह से बढ़ जाती है। सॉरी अगर मैंने कुछ पीछे उल्टा बोल दिया हो, कि एस करेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम हो जाएगी यार, है ना, इसे रेक्टिफाई कर लेना अगर मैंने कुछ बोल दिया, मैं ध्यान नहीं आ रहा। एस परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एंड देयर फोर द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस डिक्रीजेस। तो जैसे sp में s करेक्टर कितना है, परसेंटेज s करेक्टर अगर लिखें तो 50% है, sp2 में परसेंटेज एस करेक्टर कितना है 33.33%,
भाई टोटल को 100 से डिवाइड कर दे रहा है, और SP3 में कितना है, 25% है, ठीक है। तो जैसे जैसे एस करेक्टर कम होएगा बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ेगी। तो इसका एक शानदार सा सवाल आता है, क्वेश्चन है, हो सकता है जेई एडवांस में भी आ जाए। जेई एडवांस 2023 में भी आ जाए, पता नहीं कब आएगा, है ना, ये 24 में आएगा, पेपर तो नहीं मैं ऐसा कर रहा, लेकिन अगर हम इस तरह का सवाल लिख दें, सवाल को देखना, बड़ा प्यारा सवाल लिख रहा हूँ, ठीक, और हम इसकी बॉन्ड लेंथ लिख दें, ए इसकी लिख दें, बी इसकी लिख दें, सी, और कोई पूछेगी ए बी सी में रिलेशन बताना है किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आ रही है किसकी कम आ रही है। तो सिंपल बात है, इस पर हाइब्रिडाइजेशन कितना है, इस पे हाइब्रिडाइजेशन SP3 है, इस पे SP2 है, और इस पे SP है। कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन अभी मैं बता दूंगा, फिलहाल के लिए अभी देख लेते हैं कि कैसे आ रहा। तो अब तुम बताओ कि सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा सी होगा, फिर बी होगा, और फिर ए होगा, क्योंकि एस करेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा बॉन्ड डिस्टेंस कम होती जाएगी, ये बात हम ध्यान रखेंगे, आगे फ्यूचर में भी हमारे काम आएगी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हम लोग केसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। केसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करने से सीधे मैं डायरेक्टली तो मैं निकालना सिखाता हूँ जुगाड़ सीधे कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। तो हम डाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग निकालते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पाई बॉन्ड्स डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो स्टेरिक नंबर अगर 2 हुआ तो उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा SP, S1 है, P1 है, दोनों में 1-1 है तो क्या हो गया SP, 3 ले लेंगे तो S1 P2 यानी कि SP2 लिखते हैं इसे, तो कितना आ जाएगा SP2, 4 के लिए आसान तरीका SP3, 5 के लिए SP3D, 6 के लिए SP3D2, देख लो सब पे नंबर सेम आ रहा होगा SP3D3, ठीक। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करेंगे तो 4, 6 को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जिसमें ऑब्लिक करके लिख सकते हैं, तो DSP3 लिख सकते हैं, D2SP3 लिख सकते हैं, इसे DSP2 लिख सकते हैं, इसे तो लिख सकते हैं DSP2 या फिर D3S, इतने तरह के हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों को पढ़ने हैं, इतने तरह के हम लोग लिख सकते हैं, और ये आसानी से हमें समझ में आ जाएंगे, बस स्टेरिक नंबर निकालने की बात है, ठीक है। अब स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे देख सीख लेते हैं हम लोग, ठीक। चलो ये इतनी बात समझ में आ गई, लोगों ने कर ही लिया होगा ऐसे तो। अब आगे बात करते हैं, और बात कर रहे हैं कि अगर हमें CH4 मॉलिक्यूल दे दिया गया, ठीक है, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर हमें CH4 मॉलिक्यूल दिया गया है तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 4 ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो 4 सिग्मा बॉन्ड ही बनाए होंगे, तो कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, और क्योंकि मेरे को शेप का अंदाजा है पहले से इसलिए मैं इसे एक्चुअली बना रहा हूँ। अब इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, देखो तुम्हें तो नहीं पता, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया, 0 लोन पेयर बनाया, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आया SP3 आया, तो इसके लिए जो शेप आ जाती है वो आती है टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल जो आ जाएगा, बॉन्ड एंगल आ जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक। तो ये टेट्राहेड्रल बन गया। अब हम गैस कैसे करेंगे, तो हम लोग केसेस करते हैं फटाफट, है ना, तेजी से करेंगे केसेस जल्दी जल्दी जिससे बात समझ में आ जाए। तो केस नंबर 1 लिख लेते हैं, केस नंबर 1 ऐसा करेंगे जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 0 लोन पेयर होगा,
तो ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन का केस करें। अब ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें दो सिग्मा बॉन्ड हो, कोई लोन पेयर ना हो, तो जिसके आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन हो, उससे बात करेंगे। तो BeCl2 देख लिया, देखो BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया एसपी। अब दो चीज़ों को अरेंज करना है स्पेस में, तो बेस्ट पॉसिबल तरीका ये है कि हम उन्हें 180 डिग्री पर अरेंज करें, जिससे उनमें रिपल्शन कम हो, स्टैक रिपल्शन कम हो। तो इसके एंगल, बीच का एंगल कितना आ गया ये 180 डिग्री। तो इसकी शेप जो आ गई वो क्या आ गई, लीनियर आ गई। ठीक, केस नंबर टू करते हैं। केस नंबर टू हमने लिखा कि जिसमें तीन सिग्मा बॉन्ड हो और जीरो लोन पेयर हो। तीन सिग्मा बॉन्ड जीरो लोन पेयर का मतलब एसपी टू हो गया, स्टेरिक नंबर तीन आया, सिंपल आ रहा है ना। तो तीन सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जिसके पास नहीं है वो BF3 है, बोरॉन फैमिली से बात करनी पड़ेगी। आउटर मोस्ट में तीन इलेक्ट्रॉन है और F के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो BF3 हो गया। BF3 का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो इस तरह से बनाना पड़ेगा हमें। तीन चीज़ों को स्पेस में अरेंज करना, कितने एंगल पे करेंगे, 120 डिग्री पे करेंगे। तो इसका जो शेप आ जाएगा वो आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर शेप आ जाएगा इसका। ठीक, ट्राइगोनल प्लेनर शेप आ गया इस तरह से, अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर देखिएगा और बॉन्ड एंगल हमारा आ गया 120 डिग्री। ये बात समझ में आ गई है, ऐसा मान लें भाई, ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा, पहली बार इतनी थ्योरी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, देख लेना ना। केस नंबर थ्री पे देखते हैं, केस नंबर थ्री लिख लेते हैं, फोर सिग्मा बॉन्ड्स और जीरो लोन पेयर। मैं सारे केस लिख रहा हूँ देखो एक एक करके। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, एग्जाम्पल CH4 आ गया, अभी मैंने ड्रॉ किया था। अब अगर हम चार चीज़ों को एक प्लेन में रखते हैं तो बॉन्ड एंगल कितना आता, 90 डिग्री। लेकिन जब हमने 3D में रख दिया उसे, जब हमने कहाँ रखा, 3D में रख दिया उसे, तो बॉन्ड एंगल कितना आ गया, बॉन्ड एंगल आ गया 109 डिग्री 28 मिनट्स। बॉन्ड एंगल आ गया 109 डिग्री 28 मिनट्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, जरा सी भी। 109 डिग्री 28 मिनट एंगल आ गया। और शेप कैसी आ गई, शेप आ गई टेट्राहेड्रल। ठीक है, केस नंबर फोर पे चलते हैं। केस नंबर फोर पे फाइव सिग्मा बॉन्ड्स प्लस जीरो लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो पांच सिग्मा बॉन्ड बनाए और जिसके पास लोन पेयर नहीं हो, यानी कि आउटर मोस्ट में पांच इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर आउटर मोस्ट में पांच इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं pf5 का या pcl5 का लिख लेता हूँ, जो तुमने सुना हुआ एग्जांपल वही लिखते हैं। PCl5 को जब हमने अरेंज करना शुरू किया तो ऊपर और नीचे तो हमारे पास दो ही जगह है, मेन जगह जो अवेलेबल है वो हमारे पास प्लेन में है, तो तीन Cl को एक प्लेन में रख लिया, एक ऊपर और एक नीचे रखा, तो ये बन गया ट्राइगोनल पिरामिड। ध्यान से देखोगे ऐसे ट्राइगोनल बाई पिरामिड बन गया, ये क्या बन गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में दो तरह के बॉन्ड है, जो ऊपर और नीचे बॉन्ड है इन्हें एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स। और जो प्लेन में है बॉन्ड, इन बॉन्ड्स को कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स आर लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड जो है वो किससे बड़े होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़े होते हैं। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आ गया, तो एक्सियल एक्सियल के बीच का एंगल आ गया कितना, 180 डिग्री। एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच का एंगल 90 डिग्री और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच का एंगल 120 डिग्री। तो तीन तरह के एंगल है, सारे लिख दिए हम लोगों ने। तो केस नंबर फोर तक पहुंच गए, मैं एक सारे दुनिया भर के एडवर्टाइजर निकाल दूंगा यार, है ना, वो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, आसानी से हो रहा है, धीरे धीरे करते रहते हैं ना। केस नंबर फाइव पे चलते हैं। केस नंबर फाइव यानी कि सिक्स सिग्मा बॉन्ड्स और जीरो लोन पेयर्स। सिक्स सिग्मा बॉन्ड और जीरो लोन पेयर का मतलब क्या हो गया कि हमें SF6 से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सल्फर के ही आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, छः। अब ऊपर और नीचे तो हमारे पास कितनी जगह थी,
दो ही जगह थी तो हमने चार चीज़ों को प्लेन में रखो, और चार चीज़ों को प्लेन में रखने का बेस्ट तरीका क्या है कि उन्हें एक स्क्वायर प्लेन में रखो, ठीक। और अगर हम इसे जोड़ दें तो ये स्क्वायर बाई पिरामिडल बन जाएगा। ऐसे बोलो भाई, स्क्वायर बाई पिरामिडल बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल, और इसी को प्यार से ऑक्टाहेड्रन कहते हैं, इसका नाम तुमने सुन रखा, इसे क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रन। और इसमें कोई भी एक्सियल या इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं होती है, इसलिए सारे बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं, जो बॉन्ड एंगल है सारे वो कितने एग्जैक्टली 90 डिग्री पे हैं। कई बार इस क्वेश्चन ये आता है कि कितने बॉन्ड एंगल 90 डिग्री पे, तो वो निकाल लेंगे हम लोग, कोई आसान मुश्किल काम तो है नहीं, ठीक। चार ऊपर और चार नीचे, यानी कि कितने बॉन्ड एंगल है निकाल लोगे इसमें आसानी से सवाल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। केस नंबर 5 के बाद आ जाता केस नंबर 6, केस नंबर 6 आ जाता। तो इसकी ज्योमेट्री लिख ली, सब कुछ लिख लिया, ठीक। केस नंबर 6 पे आ जाता, केस नंबर 6। देखो यार, एक बात कहनी थी, बहुत मेहनत लग रही है इन वीडियोस को करने में, बहुत आराम से पढ़ना यार, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि तुम सेलेक्ट हो जाओ अच्छे से पढ़ के, तो बढ़िया से रिस्पॉन्स करो, टेलीग्राम पे मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो डाउट, और वीडियोस को पूरा देखना ज़रूर, है ना। बहुत मेहनत लग रही है बनाने में, तबीयत नहीं सही तब भी बना रहा हूँ, और बिल्कुल मैं मजाक नहीं कर पाऊँगा, ये मतलब मेरी फितरत में नहीं है कि मैं बहुत, जिस दिन कभी हम लोग खाली होंगे एडवांस में, तुम सेलेक्ट हो जाओगे, फिर हम लोग बढ़िया पार्टी करेंगे पक्का मेरी तरफ से सबके लिए, ठीक है। हम लोग एक बार यूट्यूब पे सारे लोग जितने लोग होंगे और लाइव कनेक्ट करेंगे, फिर हम लोग बातें करेंगे बैठ के, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग 45 दिन केवल पढ़ेंगे, ठीक। केस नंबर 6 हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, केस नंबर 6 आ गया 7 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 0 लोन पेयर। 7 सिग्मा बॉन्ड का मतलब IF7 ले लें, ऊपर और नीचे रखने की जगह तो कितनी है, केवल 2 ही थी, तो हमने 5 चीजों को एक प्लेन में रख लिया, 5 चीजों को प्लेन में रखा तो ये पेंटागन बना लिया इसने, एक ऊपर आ गया और एक नीचे आ गया, तो इससे बन गया पेंटागनल बाई पिरामिडल, क्या बन गया, पेंटागनल बाई पिरामिडल। तो ये बॉन्ड हो गया एक्सियल, ये भी हो गया कैसा एक्सियल, और ये वाले हो गए कौन से, इक्वेटोरियल, ये कैसे हो गए, इक्वेटोरियल हो गए, ठीक। थोड़ा साफ कर दूं, साफ साफ लिख दूं इसे, ठीक। तो एक्सियल एक्सियल के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच का एंगल 90 डिग्री, और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच का एंगल 72 डिग्री। तो इतनी बात आसानी से समझ में आ जानी चाहिए सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। तो अब 8 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर, यानी कि हमें नोबल गैस से बात करनी पड़ेगी, और नोबल गैस में 8 सिग्मा बॉन्ड कोई नहीं बना रहा है, इसका मतलब हमने ऐसे सारी पॉसिबिलिटी कर ली दुनिया भर की जिनमें कि लोन पेयर नहीं था, ठीक, जिनमें लोन पेयर नहीं था ऐसी हमने सारी पॉसिबिलिटीज कवर अप कर ली। अब कंपाउंड तो ऐसे भी अवेलेबल है जिनमें लोन पेयर होगा, कंपाउंड तो ऐसे भी अवेलेबल होंगे जिनमें लोन पेयर होगा, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए आई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे हम वेस्पर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए कौन सी आई थ्योरी, एक नई थ्योरी पढ़नी है हमें, जिसे हम VSEPR थ्योरी कहते हैं, वेस्पर थ्योरी मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है, क्लियर कट बता रही कि जो वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया जिसने बॉन्डिंग नहीं की, वो कैसे बिहेव करेगा ज्योमेट्री या शेप में मॉलिक्यूल की, तो हमें ये चेक करना है, ठीक। बात क्लियर इतनी समझ में आनी चाहिए तो आ ही रही होगी। तो ये कहता है कि जो हमारे पास जो रिपल्शंस हैं,
हमारे पास जो रिपल्शन है वो तीन तरह के हैं। कौन कौन से? एक तो बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर से रिपल्शन है, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर से रिपल्शन है। पूरा ही लिख देता हूँ, बॉन्ड पेयर तीन तरह के रिपल्शन है, यहाँ लिख देता हूँ नीचे। रिपल्शन तीन है हमारे पास, कौन कौन से? बॉन्ड पेयर जिन्हें हम बॉन्ड पेयर को बीपी लिख रहे थे। दूसरे टाइप के हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तीसरी तरह के हैं लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्शन जो तीसरी तरह के रिपल्शन है। अब इन तीनों रिपल्शन में सबसे जो हायरार्की है, तो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिपल्शन लिख दें, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन जो होगा वो लोन पेयर का सबसे ज्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होगा, और फिर बॉन्ड पेयर। भाई जो खूटे से बंधा है वो रिपल्शन कम कर पाएगा, ये बात समझ में आनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, लेकिन अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ध्यान में रखते हुए निकालेंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ध्यान में रखते हुए निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो केस नंबर वन ले लेते हैं इसका, ठीक। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन के बाद हम केस लग रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। तो दो सिग्मा बॉन्ड ले लिए, फिर से दो सिग्मा बॉन्ड्स प्लस एक लोन पेयर ले लिया। दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर का मतलब स्टेरिक नंबर कितना आ गया हमारा? स्टेरिक नंबर आ गया थ्री। स्टेरिक नंबर थ्री आ गया, यानी हाइब्रिडाइजेशन कितना चाहिए हमें? अब भाई समझना बात को, हाइब्रिडाइजेशन आ गया कितना? sp2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टू प्लस वन लोन पेयर, यानी कि टू इंटू वन, यानी कि फोर। तो फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल कौन होगा? SnCl2 लेते हैं, कार्बन फैमिली वाला होगा। तो इसने जब अपने आप को अरेंज करा होगा, तो तीन चीजों ने अपने आप को अरेंज किया होगा ट्राइगोनल प्लेन में। बोलो भाई, ट्राइगोनल प्लेन में अरेंज किया होगा। और इसने अपने आप को कंपेयर जब किया होगा, तो इसने BF3 से अपने आप को कंपेयर भी किया होगा, कि BF3 ने भी ऐसे ही बनाया था। देखो साथ साथ पीछे वाला रिवाइज भी होता जा रहा है। इसने BF3 से कंपेयर किया अपने आप को, लेकिन BF3 में सारे बॉन्ड पेयर थे। BF3 में सारे क्या थे? बॉन्ड पेयर थे। तो जब बॉन्ड पेयर रिपल्शन थे, तो आप उसमें एक दूसरे को नेग्लिफाई कर रहे थे, लेकिन SnCl2 में यहाँ पे नेग्लिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या करेगा? बॉन्ड पेयर को कंप्रेस करेगा, दबा देगा नीचे की तरफ, ठीक। लोन पेयर क्या करेगा? बॉन्ड पेयर को नीचे की तरफ प्रेस करेगा, इस तरह से धक्का देगा। तो जो बॉन्ड एंगल है वो अब लेस देन 120 डिग्री आ जाएगा। थीटा जो होगा वो कैसा आ जाएगा? लेस देन 120 डिग्री। और जो शेप होगी, शेप में लोन पेयर नहीं दिखते, ध्यान रखना, तो शेप जो हो जाएगी इसकी वो बेंट शेप हो जाएगी या वी शेप हो जाएगी, या फिर इसे एंगुलर शेप भी कहते हैं, इसे एंगुलर शेप भी कहते हैं। अरे सॉरी, एंगुलर शेप हो जाएगी, ठीक। बात समझ में आनी चाहिए। एक बार इसे स्क्रीन को एडजस्ट कर लूँ यार, फिर से नहीं हिलेगी नहीं फिर, एक मिनट अब ठीक एंगुलर शेप हो जाएगी। इतनी बात मेरी समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, जरा सी भी, ठीक। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया, बेंड शेप आ गई, बॉन्ड एंगल पता लग गया, हमें सब बातें पता हो गई। तो जो बॉन्ड एंगल आया वो ये लिखा, शेप ये लिखी है, इन बातों को हम ध्यान रखेंगे। तो केस वन हो गया हमारा, दो सिग्मा बॉन्ड के साथ एक लोन पेयर आ गया। दो सिग्मा जीरो लोन पेयर कर चुके हैं, दो सिग्मा एक लोन पेयर कर चुका है, ठीक। अब बात आती है नंबर टू की, दो सिग्मा बॉन्ड आ जाएं और दो लोन पेयर्स आ जाएं।
दो सिग्मा बॉन्ड और दो लोन पेयर्स का मतलब स्टेरिक नंबर कितना हो गया, स्टेरिक नंबर 4 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो sp3 आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो कितना आ जाएगा sp3, यार देखा है मेरे पीछे आ गया वो, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया sp3 आ गया। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे भाई, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 + 2 × 2 यानी कि 6। तो हम इसका बात कर लेते हैं ऑक्सीजन से, तो वाटर ले लिया एग्जांपल, वाटर में दो लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है। इसे कंपेयर करेंगे CH4 से, क्योंकि CH4 की ज्योमेट्री में पहले से पता है, हमने पढ़ी थी कि sp3 के लिए CH4 आइडियल है। अब इसमें फिर से कितना लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, तो जो रिपल्शन होगा स्टेरिक रिपल्शन वो लोन पेयर में ज़्यादा होगा। ये दोनों क्या करेंगे, इस बॉन्ड को धक्का देंगे, तो इसका जो बॉन्ड एंगल था कितना आ रहा था, 109°28' आ रहा था, इसका 109°28' से कम आएगा क्योंकि पानी है इसका, इसलिए हमें याद होना चाहिए, और इसका याद होना है तो हमें 104°5' का एंगल है, ठीक, बॉन्ड एंगल इतना आ गया। तो शेप क्या आ गई, शेप आ गई बेंट और वी शेप आ गई, बेंट और वी शेप आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक। अब अगला केस करते हैं, नंबर 3, 2 sigma bonds + 3 lone pairs। अगर 2 sigma bond और 3 lone pair हैं तो स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो sp3d आ जाएगा। अब जरा बात को ध्यान से सोचना है ना, आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, अभी तक लोग सीख गए होंगे कि 2 + 3 × 2 यानी कि 8 आ गए, 8 आ गए तो ज़ेनॉन से बात करनी पड़ेगी, तो हमने XeF2 लिख लिया। अब XeF2 में 3 लोन पेयर भी हैं, कई बार पेपर में ये लोन पेयर गिनने को ही आ जाते हैं, एडवांस के क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये लोन पेयर भी गिनने को आते हैं भाई, सीधे सीधे कंपाउंड के हमारे पास, तो 3 लोन पेयर है। अब हमारे पास sp3d में हम कंपेयर करेंगे इसे PCl5 से, और PCl5 हमने कैसा बनाया था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, PCl5 हमने ऐसा बनाया था, इसे बिगाड़ के दोबारा बनाते हैं, हमने PCl5 इस तरह से बनाया था। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सियल पोजीशन पे रखें या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखें, तो इलेक्ट्रॉन्स को जब भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में अरेंज करते हैं, ध्यान से सुनना कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स को ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में अरेंज करते हैं तो उनकी प्रायोरिटी हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन होती, कहाँ होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक। ये आईडी ने एडवांस में पूछा है सवाल, तो इसके लिए जो शेप आ जाएगी, शेप में लोन पेयर नहीं दिखते, तो बॉन्ड एंगल आ जाएगा 180 डिग्री, और शेप आ जाएगी इसकी लीनियर। शेप आ जाएगी लीनियर, ध्यान रखना, और इस रूल को कहते हैं बेंट्स रूल, कि लोन पेयर कैन नॉट बी कैप्ट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। टेक्निकली बोलता नहीं हूं, अभी तुम याद रखो क्योंकि ज्यादा टेक्निकली करने में दिक्कत होगी, है ना। तो ये 2 sigma bond के साथ 4 लोन पेयर हो नहीं सकते क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी के होते नहीं है, इसलिए ये किसके आगे कोई केस 2 sigma bond का दुनिया में कोई नहीं बचा। केस नंबर 4 पे चलता है, 3 sigma bonds + 1 lone pair। 3 sigma bond + 1 lone pair का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, हाइब्रिडाइजेशन जो आया वो sp3 आया, क्योंकि स्टेरिक नंबर जो आया वो आया 4, स्टेरिक नंबर आया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 3 + 1 × 2 यानी कि 5। तो अमोनिया से बात कर लेते हैं,
जब अमोनिया से बात करोगे तो तुम्हें याद आएगी CH4 की फिर से, क्योंकि SP3 हाइब्रिडाइजेशन है, और साथ में याद आनी चाहिए वाटर की भी, क्योंकि वाटर भी हम कर चुके हैं। तो इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स था, इसका एंगल वाटर से कम हो ज़्यादा होगा लेकिन मेथेन से कम होगा, क्योंकि वाटर में दो लोन पेयर थे, वो दो लोग मिलकर धक्का दे रहे थे ऐसे करके, वैसे दो लोग मिलकर धक्का दे रहे थे ना भाई बिल्कुल ऐसे करके, ठीक। लेकिन अमोनिया में केवल एक लोन पेयर है तो एक ही लोन पेयर धक्का देगा थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके, तो इसने धक्का दिया और एंगल बना दिया 107 डिग्री और 5 मिनट्स। तो इसकी जो शेप आ गई पिरामिडल, ठीक, इसकी शेप आ गई पिरामिडल, आसानी से की जा सकती है। अगला केस नंबर 5 हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर्स, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर का मतलब स्टेरिक नंबर कितना आ गया, स्टेरिक नंबर आ गया 5, स्टेरिक नंबर 5 आया तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए भाई, देखो मैं बोल रहा हूँ सब लोग कमेंट्स करके बताना कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया। मैंने एग्जांपल ले लिया Cl3 का, ये मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, देखता हूँ कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक। अब Cl3 आ गया तो हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा किससे, TVP ज्योमेट्री से, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल यानी PCl5 से कंपेयर करना पड़ेगा इसे फिर से। और हम जानते हैं बेंट रूल क्या कहता है, बेंट रूल ये कहता है कि लोन पेयर हमेशा हम इक्विटोरियल पोजीशन पर रखते हैं, तो लोन पेयर हमने कहाँ रखे, इक्विटोरियल पोजीशन पर रखे, एक एफ ऊपर आ गया और एक एफ नीचे आ गया। तो अगर इसे ऐसे बनाओगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, एक एफ यहाँ पे, एक एफ यहाँ पे, एक एफ यहाँ पे, ठीक। अब इससे जो शेप आई, शेप आई उसे हम टी शेप कहते हैं, लेकिन टी के लिए बॉन्ड एंगल कोई भी 90 डिग्री नहीं होता, तो नो एंगल इज 90 डिग्री, कोई भी 90 डिग्री नहीं है, ध्यान रखना। जो शेप है टी की वो थोड़ी सी बेंट है, इस तरह का टी है ये, तो इसे बेंट टी भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। अगला केस 6 नंबर, अब जब 6 नंबर लिखेंगे तो 3 सिग्मा 3 लोन पेयर हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 9 हो जाएंगे और हम ये नहीं कर सकते, 9 बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते हम लोग। अगर 9 बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते तो हम अगले केस पे चलते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 5 आ गया, और हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4+2 यानी कि 6 यानी कि ऑक्सीजन फैमिली से बात करेंगे तो हमने सल्फर का एग्जांपल लिख लिया और SF4 ले लिया। SF4 को कंपेयर करना है PCl5 से यानी TVP ज्योमेट्री से, हमें फिर से ट्राइगोनल वाई पिरामिडल से। तो SF4 को जब हम लोगों ने इक्वेटोरियल पोजीशन पर अरेंज करेंगे तो लोन पेयर कहाँ जाएगा, लोन पेयर आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर और FF ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, F आ गए, सुंदर सुंदर थोड़ा लिख देता हूँ, और F ऐसे आ गए। तो जब देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, F F एक लोन पेयर, ये F और ये F, तो बेसिकली ये सीसॉ से शेप है, सीसॉ शेप है। तो अगर मैं स्क्रीन की तरफ थोड़ा कम देख पाता हूँ क्योंकि मेरे को लिखना है ना बहुत सारा, तुमसे कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे मीडियम हैं, तुम लोग कमेंट करो, मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ धीरे धीरे, सबका करूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई मन लगा के करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। और एक बात और है यार कि ये वीडियोज़ में मैं टाइमर लगा दूंगा कि जो कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आता वही देखो, पूरा वीडियो देखने में बड़ी लेंथ आएगी, जिसे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है वो पूरा वीडियो एक बार 1.5x पे करके देख लोगे तब भी काम बहुत बढ़िया चलेगा, ठीक। तो इसकी शेप कैसी आ गई, सी शॉ शेप आ गई, और नो एंगल इज 90 डिग्री, नो एंगल इज 90 डिग्री, कोई भी 90 डिग्री नहीं है। अगला केस ले देखते हैं, केस नंबर कौन सा आ गया, 6 के बाद 7 नंबर आ गया, तो इसका
लिख लेते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर्स, 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर का मतलब होता है स्टेरिक नंबर कितना आ गया 6। तो हाइब्रिडाइजेशन जो आ गया, हाइब्रिडाइजेशन जो आया वो आया sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जब हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले तो 4 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 8 आ गए। तो हमने क्या किया, XeF4 से बात की। अब हमें जब ऑक्टाहेड्रल बनाना है, sp3d2 का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए क्या होगा कि ऑक्टाहेड्रल में सारी पोजीशन सेम होती हैं, तो हम लोन पेयर को कहीं पे भी रख दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन होती ही नहीं है। मतलब तुम ये बनाओ या तुम्हारा मन कर रहा है तुम ये बनाओ, तो मैं बना के दिखा दे रहा हूँ तुम्हें, जिससे तुम्हें दुख ना हो। ठीक, तो ऐसे केस में क्या करो, प्लेन अपना बदल लो, और प्लेन, एक प्लेन तो ये वाला है, दिख रहा है भाई सबको, एक प्लेन तो ये वाला है, लोन पेयर हमने रख लिया। एक दूसरा प्लेन देखो, एक ये भी प्लेन बन सकता है, ये भी एक प्लेन है, स्क्वायर प्लेन, ये भी एक, तो कोई सिमेट्रिक पोजीशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी जो शेप आ जाएगी वो कैसी आ जाएगी, शेप आ जाएगी स्क्वायर प्लेनर। शेप कैसी आ जाएगी, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगी, और जो बॉन्ड एंगल है वो सबका 90 डिग्री होगा। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 4 सिग्मा 3 लोन पेयर का केस हो नहीं सकता, तो XeF4 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं केस नंबर कौन सा हो जाएगा, 7 के बाद 8 आ गया। 8 का मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर। 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर का मतलब स्टेरिक नंबर कितना आ गया, स्टेरिक नंबर आ गया 6। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। तो जब हमने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले, और यही मॉलिक्यूल्स एडवांस के पेपर में आए हैं, PYQ सीरीज वाले भी PDO देख के इसे करना है भाई, PYQ वाला वीडियो भी अगले दिन अपडेट हो जाएगा, तो उसे भी करना है ध्यान से। ठीक, तो ये आ गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया, सेवन इलेक्ट्रॉन का मतलब हम ले लें BrF5 ले लेते हैं, जो एडवांस में आया वही एग्जांपल ले लेते हैं, BrF5 ले लेते हैं। अब हमें इसे ऑक्टाहेड्रली अरेंज करना है, तो ऑक्टाहेड्रल में तो कोई पोजीशन फिक्स थी नहीं, तो हमने Br लिख लिया और 5F लिख लिया। और एक लोन पेयर बना लिया। ठीक, तो BrF5 इसमें क्या होगा, जो लोन पेयर होगा वो सारे ब्रोमीन्स को पुश करेगा, तो ये कुछ अम्ब्रेला टाइप बन जाएगा। तो ये बन गया स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल इसकी शेप आ गई, स्क्वायर पिरामिडल क्या आ गई, इसकी शेप आ गई। और बॉन्ड एंगल जो आएंगे कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इतनी बात समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए, आसानी वाली बात है, समझ में आ सकती थी। ठीक है, क्लियर कट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगला केस कर लेते हैं 9th। 5 सिग्मा 2 लोन पेयर हो नहीं सकते, तो 6 सिग्मा की बात कर लेते हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर। देखो भाई, एब्सर्डनेस से दूर रहना है हम लोगों को, ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, एब्सर्डनेस से दूर रहना है ना, बहुत कठिन क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, एडवांस आराम से होता है, तो एब्सर्डनेस से दूर रहना, नहीं तो फिर भाई तुम जानते हो मैं तो बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें करता हूँ, सिंपल ही पढ़ा पाऊँगा मैं।
ठीक है, कि सबको समझ में आए, सब लोग अप्लाई कर लो और मेंस के और एडवांस के आर्काइव लगा लो। एडवांस के आर्काइव लगा लो, मैं डिस्कस भी करूँगा 2010 से लेकर 2022 तक के, तो वीडियो देख लो, एडवांस वाली शीट लगा लो, समझ लो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसका स्टेरिक नंबर कितना आ गया, स्टेरिक नंबर आ गया 7। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d3 आ जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 6+1 × 2 यानी कि 8। तो हमने HCF6 से बात की। अब इसमें पेंटागनल बाईपिरामिडल शेप नहीं आती, ध्यान रखने वाली बात थोड़ी ये है कि इसमें पेंटागनल बाईपिरामिडल शेप नहीं आती। जो शेप आती है वो एक्सी की सारे एफ जो होते हैं वो पहले ऑक्टाहेड्रली अरेंज हो जाते हैं, और जो लोन पेयर होता है वो किसी एक फेस से निकला रहता है, तो इसे कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। अब ये बात हो गई, 6 सिग्मा के साथ 2 लोन पेयर नहीं हो सकते, काम खत्म। 7 सिग्मा 0 लोन पेयर हम लोग कर चुके हैं, और 7 सिग्मा 1 लोन पेयर नहीं पॉसिबल है तो उसे छोड़ देता है, खत्म हुई कहानी। इतनी बात क्लियर हो गई। एक एग्जांपल जो बहुत पॉपुलर है, पॉपुलर एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, जो लोग तुम्हें फंसाने के लिए देंगे, मेरे हिसाब से तो एफसाइड है, फिर भी बता देता हूं कि HCF5 2- लिख देंगे, HCF5 2- लिख देंगे। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 9, और इसका जो स्टेरिक नंबर आएगा वो आ जाएगा 5+2 यानी कि 7, यानी हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा, जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आ जाएगा sp3d3। क्या आ जाएगा, sp3d3 आ जाएगा। जब इसे अरेंज करेंगे तो हम पेंटागनली अरेंज करेंगे। अब इसमें लोन पेयर जो होंगे वो बाहर की तरफ होंगे एक्सियल पोजीशन पे, और FF क्या होंगे, प्लेन पे होंगे। तो ये एक एक्सेप्शन एग्जांपल की तरह से ध्यान रखेंगे कि HCF5- ऐसा होता है, और इसे हम कहते हैं पेंटागनल प्लेनर। कैसा हो गया, पेंटागनल प्लेनर हो गया। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना पूरी तरह से सीख लिया, हमें VVT पता लग गई, वेस्पर पता लग गई, और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पता लग गई। ये 3 थ्योरीज हमने पढ़ ली अभी तक। ठीक, अब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुमसे एक टेबल बनवानी है, तुम्हें एक टेबल बनानी है कॉपी पे, रिवाइज करने के पर्पज से बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, यहाँ लिखना नंबर ऑफ लोन पेयर्स, यहाँ पे लिखना हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे एग्जांपल, या पहले लिख लेते हैं बॉन्ड एंगल, यहाँ पे लिख लेते हैं शेप, और यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जांपल। ठीक, इस तरह की एक टेबल बनानी है। अब टेबल में क्या होगा, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन SP, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, शेप लीनियर, और एग्जांपल BeCl2। 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन SP2, बॉन्ड एंगल <1/120 डिग्री, बेंट, और SnCl2। तो इस टेबल को अगले आगे ऐसे बढ़ाते जाएंगे और कन्वर्ट करते जाएंगे और पूरा ऐसे करके लाएंगे, सब लोग करेंगे तभी मज़ा आएगा। इस तरह की एक टेबल बन जाएगी, और इससे होएगा यह, जो मैंने इतनी देर में पूरे में पढ़ा पाया वो तुम 1 घंटे में पूरा रिवाइज कर, मतलब 1 घंटे का वीडियो केवल 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो पूरा। जादुई ट्रिक है ये। ठीक, और वो चार्ट बना के चिपका लो तो काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगली थ्योरीज की हम लोग बात करेंगे। जो अगली थ्योरी है वो हमारी क्या है, अब हमें बात करनी है आयनिक बॉन्ड्स की। MOT के बारे में डिस्कशन थोड़ा लेट आएगा, अब हम आयनिक बॉन्ड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, और आयनिक बॉन्ड्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे फजांस रूल का। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं फजांस रूल। फजांस
फजांस रूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फजांस रूल। फजान रूल क्या कह रहा था? फजान रूल ये कहता है कि जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें आयनिक करेक्टर जरूर होता है, और जब भी कोई आयनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है। देखो आयनिक बॉन्ड्स का डिस्कशन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि आयनिक बॉन्ड बहुत छोटा सा है, उसमें हैसला है, वो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और जहाँ तक रही बात इसकी क्या अपना मतलब आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। फजान जो कह रहा था, फजान की बात मानना ज़्यादा जरूरी है। फजान कह रहा था कि जो भी कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें आयनिक करेक्टर होगा और आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर होगा, तो यानी कि कोई भी बॉन्ड परफेक्टनेस से ना तो आयनिक है ना कोवेलेंट है। इतनी बात आराम से समझ में आनी चाहिए कि कोई भी बॉन्ड ना तो परफेक्टली आयनिक है ना परफेक्टली कोवेलेंट है। तो हमें फजान रूल क्या बता रहा है? आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड बता रहा है। क्या बता रहा है? आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड्स बता रहा है, ठीक। आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप क्यों हुआ होगा इसके बारे में अगर तुमने सोचा हो कभी, तो ये मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव साइज हमेशा छोटा होगा नेगेटिव से, ये तो बात हम लोग पीरियोडिक टेबल से जानते हैं। तो जब ये दूर दूर थे तो इनकी शेप स्फेरिकल थी, इन लोगों ने एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किया, ठीक। इन लोगों ने एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किया तो हुआ क्या कि पॉजिटिव चार्ज भी थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का डिस्टॉर्शन हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन निगेटिव चार्ज का डिस्टॉर्शन हमें दिखाई देगा। निगेटिव चार्ज का डिस्टॉर्शन हमें दिखाई देगा, तो निगेटिव चार्ज डिस्टॉर्ट हो गया। जब डिस्टॉर्ट हुआ, मैं नीचे बना देता हूँ अगले पेज पर, तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हुआ, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज भी डिस्टॉर्ट हुआ। नेगेटिव चार्ज डिस्टॉर्शन ज्यादा दिखाई देगा, रीजन बीइंग कि जो मोटा आदमी होता है अगर तुम उसे देखोगे ना ध्यान से, तो उसमें डिफॉर्मेशंस आने की संभावना ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू जो पतला आदमी है, ठीक है। मतलब अगर कोई मोटा हो तो उसके बॉडी को हिलाओगे तो केवल पेट भी हिल सकता है उसका, तो वो डिफॉर्म हो जाएगी, पतले आदमी का पेट नहीं हिलेगा, वो पूरा खुद हिल जाएगा। तो छोटे साइज को डिफॉर्म होने में ज़्यादा दिक्कत है, बड़ी चीज़ को डिफॉर्म होना उतना मुश्किल नहीं होता, आसानी से हो जाता। तो कुछ ओवरलैप कर गया, तो ये ओवरलैपिंग एरिया आ गया, तो ओवरलैपिंग एरिया आ गया यहाँ से, और इससे क्या बन गया? कोवेलेंट करेक्टर जनरेट हो गया। क्या हो गया? कोवेलेंट करेक्टर जनरेट हो गया, ठीक। अब पॉजिटिव चार्ज में डिफॉर्मेशंस नहीं आए, तो पॉजिटिव चार्ज हैज, लिख लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज हैज पोलराइजिंग पावर। उसने क्या किया? पोलराइजिंग पावर है, उसने एनायन को पोलराइज कर लिया, ठीक। पोलराइज मतलब अपनी तरफ खींचा, पोलराइजिंग पावर आ गई। और जो नेगेटिव चार्ज है has polarizability, उसके पास क्या है? polarizability है, यानी कि वो ability to get polarized, मतलब वो अपने आप को polarize करवा सकता है, ठीक। तो polarization से क्या होगा? कुछ कुछ covalent character आएगा, और covalent character आने की वजह से complete ionic character नहीं रहेगा, ठीक। अब हम कहते हैं cation की polarizing power किस पे depend करती है, तो लिख लेते हैं, द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। इसका सवाल आता है अक्सर एडवांस में, तो ध्यान रखना, और बिट्स में भी फायदा करेगा ये, तो मैं वीआईटी में भी फायदा करेगा, जहां जहां जो भी पेपर दे रहे सब में फायदा करेगा, क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट है। द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिपेंड्स अपॉन, नंबर वन इज कॉल्ड चार्ज ऑफ कैटायन। चार्ज ऑफ कैटायन की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब पोलराइजिंग पावर चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमसे अगर कोई एग्जांपल के तौर पे ये पूछ ले कि Li+Mg2+ की जगह ले लेते हैं सोडियम प्लस, एक ही ग्रुप के लेते हैं, Na+Mg2+ Al+3, इन सब में सबसे ज़्यादा पोलराइज कौन करेगा? तो सबसे ज़्यादा पोलराइज इसमें कौन करेगा? जिसका चार्ज ज़्यादा होगा,
तो ए एल प्लस थ्री करेगा। नंबर टू साइज ऑफ कैटाइन, साइज ऑफ कैटाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पोलराइजिंग पावर क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो हम कहेंगे कि साइज ऑफ कैटाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि छोटा कैटाइन तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा देगा, छोटी चीज ज्यादा पास पहुंच सकती है बड़ी चीज के, जैसे चींटी होती है वो कहीं भी पहुंच जाती है, ठीक। तो जितना छोटा कैटाइन वो एनायन के ज्यादा पास पहुंच जाएगा तो वो ज्यादा पोलराइज कर पाएगा, ये बात मेरी समझ में आनी चाहिए, ठीक। नंबर थ्री होता है, इन दोनों को अगर मिला के लिख दें तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला देखोगे तो चार्ज डेंसिटी इज चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी इज चार्ज बाय वॉल्यूम। अगर ये चार्ज बाय वॉल्यूम है मेरे भाई, तो हम इसे कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर। बोलो भाई, क्लियर हुई बात? कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? पोलराइजिंग पावर के, कि जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उतनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। अच्छा, ऊपर वाले का अगर एग्जाम्पल लिखना है, इसे उठा के थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ऊपर वाले का भी लिख देते हैं जिससे तुम्हें बात क्लियरिटी से समझ में आ जाए, है ना। तो ऊपर वाले का एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, जैसे कि अगर हमसे पूछे एल आई प्लस एन ए प्लस के प्लस और आर बी प्लस और सी एस प्लस में देख लें, चार ही ले लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है? लिथियम की है, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी मतलब अगर साइज पे देख रहे तो इस तरह से बिहेव कर रहा। अगर चार्ज डेंसिटी की बात करें, चार्ज डेंसिटी का अगर हम एग्जांपल लिखें तो हमसे कोई पूछे कि अगर एन ए प्लस एम जी टू प्लस ए एल प्लस थ्री एस आई प्लस फोर में सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, तो एस आई प्लस फोर की होगी। क्यों? क्योंकि एस आई प्लस फोर की चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, चार्ज सबसे ज़्यादा और लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो साइज़ क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो चार्ज डेंसिटी एस आई फोर प्लस की ज़्यादा है। बेसिकली ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के नीचे लिख दिया। अब जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोर्थ पॉइंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ कैटायन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ कैटायन पे कैसे डिपेंड करेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तीन तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, भाई बात समझ में आ रही होगी, वीडियो पूरा ही देखना पड़ेगा, चैप्टर पक्का पक्का पूरा मैं सही कराऊंगा। एडवांस में कोई भी बॉन्डिंग का सवाल गलत नहीं होने देंगे अपन लोग, है ना। जितने हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं लगभग एडवांस की प्रैक्टिस शीट भी है, उसमें 30 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन वो हो गए, तो लगभग 50 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर के अच्छे से कर रहे हो, तुम थॉरली सॉल्व कर रहे हो, जैसे मैं करूँगा तुम्हें दिखाऊंगा, तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मोस्ट प्रॉबली हो जाएगा अगर तुमने एग्जाम में होल्ड अपनी नर्व्स को होल्ड रखा, ठीक। नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, फिर होता है शूडो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, और फिर होता है नाइदर नोबल नॉर स्यूडो नोबल। तो ना तो नोबल है ना स्यूडो नोबल है। तो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन कैसा होगा? या तो वो NH2 होगा या NP6 टाइप का होगा, या तो NH2 होगा या NP6 होगा। स्यूडो नोबल कैसा होगा? NH2NP6ND10। जैसे अगर हम बात करें तो Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का, K प्लस का कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बात करें तो Cu प्लस का, Zn2 प्लस का, Cd2 प्लस का, ये कैसे हैं? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। और नाइदर नोबल मतलब एक्सेप्ट दीज टू, यानी कि कुछ भी हो, NH2 और NP126 कुछ भी, 125 कुछ भी हो जाए, या फिर ND129 कुछ भी हो जाए, तो ये कैसा है? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नाइदर नोबल नॉट स्यूडो नोबल है। तो इसके एग्जांपल जैसे लिखें कि अगर हम Pb+2 लिख दें, या Pb+4 लिख दें, या फिर SN2+ लिख दें, तो ये कैसे हैं? नाइदर नोबल नॉट स्यूडो नोबल। अब
इनमें कंपैरिजन कैसे करेंगे, ये सवाल ही आएगा, कठिन सवाल आएगा एडवांस में, देखना भाई। कठिन मतलब, कठिन का मतलब वो नहीं कि कॉन्सेप्चुअल नहीं, तो मैं ट्रिक करने के लिए क्वेश्चन देंगे, ठीक। तो कैसे करेंगे कि इनमें जो ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर है, ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा है नाइदर नोबल नॉर सूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक, नाइदर नोबल नॉर सूडो नोबल गैस की, फिर है सूडो नोबल गैस की, और लास्ट में आती है नोबल गैस की, ठीक। तो ये ऑर्डर हम लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट भी कर देते हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे, अगर नोट्स के रिवाइज करना हो एक बार और घर पे बैठ के, तो वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं, नोट्स का प्रिंट लो और पढ़ लो, काम खत्म, ठीक। अब आगे बात करते हैं, अगर इसका एग्जांपल लिखें तो सवाल पूछा कैसा जाता है कि NaCl और CuCl में कौन ज़्यादा कोवेलेंट है, तो कौन ज़्यादा कोवेलेंट होगा, CuCl होगा। अगर कोई पूछ लें कि जैसे MgCl2 ले लें, ZnCl2 ले लें और PbCl2 ले लें, कौन सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होगा, तो ये नोबल गैस हो गया, ये कैसा हो गया, सूडो नोबल गैस, ये नोबल गैस है, ये सूडो नोबल है, और ये नाइदर नोबल नॉर सूडो नोबल है, ठीक। सूडो नोबल को PN लिख देते हैं ना, नाइदर नोबल नॉर सूडो नोबल, ठीक। तो ये वो हो गया, तो आंसर ये आ गया अपना, सिंपल बात है, बात समझ में आ जानी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैटायंस के बारे में हमने डिस्कशन अपना कर लिया, अब बात आती है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायंस, तो हिंट डाल लेते हैं, द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायंस और यार देखो कई लोगों के मिथ्स टूट जाएंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ठीक है, कई लोगों के मिस टूटेंगे कि सर हमने ये पढ़ रखा वो पढ़ रखा, उसे भूल जाना और इररेलेवेंसी से बचना है। तबीयत यार इररेलेवेंसी से बचना है, ठीक है, इररेलेवेंट नहीं होना है, ठीक। मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, ठीक रहूँगा, टेंशन ना लो, इररेलेवेंसी से बचना हम लोगों को, है ना, कि ज़्यादा एब्सर्ड सवाल लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुम्हें लग रहा तुम्हें और सवाल चाहिए तो 2010 से पहले वाले एडवांस और लगा लो, ठीक, बात समझ में आ गई मेरी, चलो ठीक। अब पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायंस किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन नंबर वन चार्ज ऑफ एनायन, इसमें चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, तो चार्ज ज्यादा होने से पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा आ रही थी और पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा आएगी। और दूसरा है साइज ऑफ एनायन जितना ज़्यादा होगा पोलराइजेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये बातें तो सिंपल हैं, अगर हम इन दोनों का एग्जांपल एक एक कोट कर लें, तो अगर हम चार्ज की बात करें तो हमसे कोई पूछे कि F-O2-N3- और C-4- में सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी किसकी होगी, तो C-4 की होगी। इसी तरह से अगर पूछे कोई F-Cl-Br- और I- में पोलराइजेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो I- की होगी। तो ये सिंपल सवाल है, आसानी से हो जाने चाहिए। कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इन्हें करके देख लेना तो पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन है, हमें कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर लिखना है, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर ए पार्ट है LiCl, NaCl, KCl और RBCl, बी पार्ट है लिखना है भाई सबको NaCl, MgCl2, AlCl3 और SiCl4। बहुत कठिन सवाल नहीं लगाने, मैं बता रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस, कोई भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो कम करे उससे दूर रहो। NaBr और NaI ऐसे डी देख सकते हैं कि Na2O
Na2S और Na2SE। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन अपने आप कर लिए जाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अब परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालेंगे कैसे, अगर हमें मैथमेटिकली निकालना हो तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कि कई बार इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आ जाता है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय। भाई मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ तो बता देना मेरे को, मैं और थोड़ा डाइल्यूट कर दूंगा ना। मैं बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी बेटा सिंपल ही होती है, थ्योरी सिंपल होती है, सवाल मुश्किल हो सकते हैं, उन्हें मैंने लगाया है और उन्हें लगाएंगे हम लोग, तो देखेंगे कि एडवांस सवाल कैसे अटैम्प्ट किया था, कैसे सवाल को उठाया जाता है। ठीक, सरल चैप्टर से शुरुआत की, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग जो बेस भी है थोड़ा मजबूत हो जाएगा, तो आगे हमें पढ़ाने में भी आसानी रहेगी और तुम्हें पढ़ने में भी आसानी रहेगी। ठीक, अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इनटू 100। तो इस फॉर्मूले को हम लोग ध्यान रखेंगे। जिस पे डिब्बा बना दिया वो इंपॉर्टेंट चीज है, तभी डिब्बा बनाता हूँ मैं। ठीक, इसे थोड़ा उठा के किनारे कर लें क्या यार? चलो किनारे भी थोड़ा बीच पर रख लेता, क्या हो गया? नहीं यार छोड़ दे, चलो देख लेंगे बाद में। अब यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होती है? इस डिबाय, इसे कैपिटल डी लिखते हैं। ठीक, और वन यूनिट चार्ज जो होता है वो होता है 4.8 × 10⁻¹⁰ ESU। ESU मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। ठीक, और 1 × 10⁻¹⁸ ESU सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 डिबाय। तो ये सारी बातें हमें पता होंगी तो सवाल लगाने में आसानी होगी, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे सवाल अब तुम लोग लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई अच्छे से। अब बात कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट की, अगली आगे डाल लेते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू लिखते हैं और म्यू इज इक्वल टू होता है क्यू क्रॉस डी। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो बनाएंगे। इस बार मेंस में क्वेश्चन आया था जो उन्होंने गलत आंसर दे दिया था। तो डाइपोल मोमेंट हमें मेजर करना है, तो डाइपोल मोमेंट मेजर करने का तरीका क्या है कि या तो म्यू जीरो होगा तो हम कहेंगे नॉन पोलर चीज है, और अगर म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो हम कहेंगे पोलर चीज है, नॉन पोलर और पोलर। ठीक, तो अगर हम ये कह दें कि ऑल द सिमेट्रिक ज्योमेट्रीज, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, तो ये बात सही नजर आती है कि डाइपोल मोमेंट उनका जीरो होगा। जैसे अगर हम BF3 का निकालने की सोचें कि BF3 में डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा, तो बी F, F और F तीन वेक्टर बनाए, तीनों कितने एंगल पे लाइन थे 120 पे। हाइब्रिडाइजेशन हम निकालना सीख चुके हैं, बॉन्ड एंगल निकालना सीख चुके हैं, तो इनका एंगल 120 आ गया, तो यानी क्या हो गया, जब म्यू इसके लिए जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। अगर कोई पूछे CH3F और CH3Cl में डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, तो CH3F और CH3Cl में ध्यान रखना CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि F में ऐसा लगता है कि चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा, लेकिन काउंटर इफेक्ट जो D का आता है वो इसे ओवरकम कर देता है। ठीक, जैसे एडवांस का अगर हम सवाल देखें डाइपोल मोमेंट का आया हुआ, तो उन्होंने क्वेश्चन लिखा था कि यहाँ पे Cl लिख लिया था, यहाँ पे Cl लिख लिया, यहाँ पे OH लिखा, यहाँ पे OH लिखा, यहाँ पे SH लिखा, यहाँ पे SH लिखा, और एक बार CN और CN लिख लिया। और ये क्वेश्चन पूछा कि इन चारों में से किनका किनका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा और किसका किसका नॉन जीरो आएगा। तो Cl
तो अपनी तरफ खींच रहा होगा, ए सी एल अपनी तरफ खींच रहा होगा, बाकी सब कुछ एस पी टू है प्लेन में है, तो ये क्या हो गया जीरो। ऑक्सीजन के केस में देखो ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा, ये कार्बन जो है, ये ऑक्सीजन जो है वो पी एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड है। पी एस पी टू मतलब एक लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और एक इस पे इंटैक्ट है। तो होगा क्या कि ये बॉन्ड इधर तरफ आएगा, ये इधर तरफ आएगा और नेट डाइपोल मोमेंट इधर साइड आ जाएगा कहीं पर। सेम गोज विद दिस कि ये इधर साइड आएगा, ये इधर साइड आएगा और नेट डाइपोल मोमेंट इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, डिपेंडिंग कि एच की पोजीशन कैसी है। क्योंकि एच रोटेट कर रहा है तो हमें नहीं पता कि कब वो डाइपोल मोमेंट जनरेट करेगा और कब नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, जब कभी डाइपोल मोमेंट आ रहा है और कभी नहीं आ रहा तो हम मान लेते हैं कि आ रहा है, क्योंकि आ रहा होगा। अगर मान लेते हैं कोई कंपाउंड ऐसा है जो कभी पोलर है कभी नॉन पोलर, तो नेट हम क्या कहेंगे, पोलैरिटी है सोल्यूशन में, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बल्क में ही होगा, ठीक है ना भाई। सेम गोज विद SH, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। SH के लिए भी सेम आएगा भाई, बिल्कुल S और O भैया भैया हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। साइनाइड को अगर लिखोगे, साइनाइड को देखो दोबारा लिख लेते हैं, साइनाइड को दोबारा लिख लें तो यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा, ये सी ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा, ये ऊपर खींचेगा ये नीचे खींचेगा, तो इसमें डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, कोई भी इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं घर के लिए, जो क्वेश्चन तुम्हें करने हैं उन्हें देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन लिखते हैं, नए पेज से लिखता हूं यार क्वेश्चन, तो सीधे तुम्हें क्वेश्चन में ये बताना है कि म्यू इक्वल्स टू जीरो है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है, या म्यू इक्वल्स टू जीरो है फॉर द गिवन कंपाउंड्स। ये सीधे एडवांस का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है कि कितने नंबर बताने हैं, काउंट इट। मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, CO2, BF3, PCl5, CCl4, SF4, वाटर, ठीक, इनमें सब में बताना है तुम्हें, SF6, IF7, अमोनिया, ओ एस एफ टू, ठीक, एक्स ई एफ सिक्स, एक्स ई एफ टू, पी सी एल थ्री एफ टू, पी एफ टू सी एल थ्री, बेंजीन, और यहाँ पे लिख लेते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक। इतने क्वेश्चंस करने हैं, इनमें ये बताना है, काउंट करके बताना है कि कितने कितने के मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो है, ठीक है। बेंड्स रूल के बारे में हम लोगों ने बात की थी, बेंड्स रूल फिर से सुन लो एक बारी अगर भूल गए हो, बेंड्स रूल कहीं कहीं यूज होगा। बेंड्स रूल क्या कहता है, लोन पेयर को हमेशा इक्वेटोरियल पोजिशन पर लगाओ और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हमेशा एक्सियल पोजिशन पर लगाओ। क्या कहता है कि लोन पेयर को हमेशा इक्वेटोरियल पर लगाओ और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी को हमेशा एक्सियल पोजिशन पर लगाओ, तो काम हमारा बहुत बढ़िया चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद बात आती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की, तो यहीं डाल लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो सबसे काम की चीज आती है वो बेसिकली आती है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग को बैक बॉन्डिंग क्यों कहते हैं, पहले तो ये बात सुनते हैं। बैक बॉन्डिंग में, इसका नाम बैक बॉन्डिंग इसलिए रखा गया कि इन जनरल जब बॉन्डिंग होती है, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं बहुत क्रिटिकल बात बता रहा हूँ। तुम किसी से पूछो बैक बॉन्डिंग को बैक बॉन्डिंग ही क्यों कहते हो, देखो फिर आंसर क्या आता हो, मेरा आंसर सुनो, ठीक। बैक बॉन्डिंग को बैक बॉन्डिंग इसलिए कहते हैं कि जब बॉन्डिंग होती है इन जनरल, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। दिस इज यूजुअल फॉर्म ऑफ बॉन्डिंग। क्या कर रहा है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है, ये तो यूजुअल होगी बात। बैक बॉन्डिंग तब होगी जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन दे के बैठ जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक। जैसे अगर इसके लिए कंडीशन क्या है, जैसे एग्जाम्पल तो बाद में देख लेंगे, कंडीशन क्या है कि फॉर बैक बॉन्डिंग, फॉर बैक बॉन्डिंग क्या होगा कि देयर शुड बी
वेकेंट, देयर शुड बी वेकेंट पी और डी ऑर्बिटल्स एंड द कनेक्टिंग एटम, द कनेक्टिंग एटम should have, should have lone pair of electrons, lone pair of electrons होने चाहिए. अब अगर example देखें BF3 का, जैसे बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में तीन इलेक्ट्रॉन थे, तीन बॉन्ड बना लिए, तो इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. कैसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये बात समझ में आ रही है इतनी मेरी, कि ये कैसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और फ्लोरीन के पास देखो लोन पेयर्स हैं. कई लोगों को बैक बॉन्डिंग में दिक्कत होती है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसे कोऑर्डिनेट कर देगा, ठीक. और सारे फ्लोरीन ऐसा कर पाएंगे, ठीक है, सारे फ्लोरीन ऐसा कर पाएंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे, एक एक करके करेंगे, ठीक. जब एक एक करके करेंगे तो क्या कहेंगे कि बैक बॉन्डिंग हो रही है. तो बैक बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन है, कि पड़ोसी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और अपने पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए. इसके जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि BF3 BCl3 BBr3 और Bi3 में लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है. क्या लिखना है, लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है, फाइंड आउट करनी है हमें. तो अगर हम BF3 में देखें तो यहां पे ओवरलैप किसके किसके बीच में हो रहा है, बोरॉन के कौन सा ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल वेकेंट है, बोरॉन का 2p ऑर्बिटल वेकेंट है, और फ्लोरीन के पास कौन से इलेक्ट्रॉन है, 2p. तो बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में कौन सा ओवरलैप होगा, 2p 2p, बोरॉन और क्लोरीन के बीच में 2p 3p, बोरॉन और ब्रोमीन के बीच में 2p 4p, बोरॉन और आयोडीन के बीच में 2p 5p. तो भाई जब अगर बैक बॉन्डिंग करवानी है तो ऑर्बिटल ओवरलैप जितना अच्छा होगा, यानी कि एनर्जी गैप जितना कम होगा उतनी बॉन्डिंग बढ़िया होगी, ठीक. तो ऑर्बिटल ओवरलैप सबसे अच्छा किस में है, BF3 में. तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग अगर हम बात करें, भाई बात समझ में आ रही है ना, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग अगर बात करें, मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हें बात समझ में आए तो लोगों को और वीडियो भेजो और पूरा देखो, कमेंट भी करो, कमेंट करने से पता लगता है कि तुम पढ़ रहे हो. थोड़ा सा एक लाइन लिख दो बस, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, कि कुछ भी जो अच्छा लगे तुम्हें, ठीक, उतना मेरे लिए काफ़ी है. एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इस, इसे पता लगता ना कि कितने लोग देख रहे हैं, सीरियस हैं कितने लोग. मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा कंटेंट देने की, और तुम अच्छे से पढ़ लो, सेलेक्ट हो जाओगे तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें को मिलेगी. और एडवांस जब रैंक आए तब भी कमेंट करके बताना कि सर सेलेक्ट हो गए थे, केमिस्ट्री ने फ़ायदा दिया, ठीक है. तो ये एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग. अब अगर बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी तो लुइस एसिड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, क्योंकि लुइस एसिड्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो अगर बैक बॉन्डिंग, घर से ही इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा मिल रहे हैं तो पड़ोसी से लेने की ज़रूरत नहीं है. तो लुइस एसिड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, लुइस एसिड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, आ जाएगा क्या कि Bi3 इज बेस्ट, देन BBr3, देन BCl3 एंड देन BF3, ठीक है. तो ये बात हो गई बैक बॉन्डिंग की. इसके लिए भी एक क्वेश्चन घर के लिए, कमेंट करके बताओगे तो मैं जब एडवांस के प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, जब शीट डिस्कस करूंगा, तो ये क्वेश्चंस भी डिस्कस कर दूंगा, लेकिन तुम्हें कमेंट करके बताना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन रह गए हैं सर, इन नहीं हो पा रहे हैं, इनमें कोई दिक्कत आ रही है, तो इन्हें भी डिस्कस कर दो, ठीक. तो ये क्या बन गया, अब इसमें क्वेश्चन लिखें कि NCH3 होल थ्राइस और NSiH3 होल थ्राइस, ट्राई मिथाइल एमीन और ट्राइल सिलाइल एमीन में विच इज स्ट्रॉन्गर बेस, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को चाहिए. रीजन के साथ लिखना, अगर चैट में लिख रहे हो तो रीजन के साथ लिखना, तभी मजा आएगा. तो यहां तक बात हो गई हमारी पूरी कंप्लीट. अब जो मेन डिस्कशन बचा है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बचा, और यहीं पे हम लोग चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, ठीक है. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, चलो शुरू करते हैं, है ना, हैंग डालते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी.
बीच में लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम प्यार से MOT भी कहते हैं। स्टेटमेंट मैं फिर से नहीं लिखूंगा क्योंकि स्टेटमेंट तो बुक्स में लिखे ही हुए, वहीं से पढ़ लोगे, समझो मेरी बात को। अभी तक जितनी भी बॉन्डिंग थ्योरीज थी वो सब ये कह रही थी कि ये इलेक्ट्रॉन मेरा है, ये इस एटम का है, ये उस एटम का, यही सब बातें चल रही थी कि कौन कौन से एटम का इलेक्ट्रॉन है, कौन किसे दे रहा है, कौन किसे ले रहा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब बेकार की बात है यार, ये सब नहीं चलता। चल क्या रहा है कि एक बार अगर बॉन्डिंग शुरू हुई तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे मॉलिक्यूल के हैं, ना कि किसी एटॉमिक ऑर्बिटल के। तो जो ऑर्बिटल है वो कौन से हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। जैसा तुम ऐसे समझो कि न्यूक्लियर फैमिली होती है और ज्वाइंट फैमिली है, तो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो क्या कहती है कि एक भाई ने पैसे कमाए, वो कहेगा मेरे पैसे थे, दूसरे ने कमाए मेरे पैसे थे, तीसरे ने कमाए मेरे पैसे थे, और सबने अपने अपने हिसाब से खर्च किया, उसमें कोई बुराई नहीं है। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि सब लोग पैसे कमाते हैं और किसी को बड़े सदस्य को दे देते हैं, पापा या मम्मी को, या अपने लाके दे दिए कि पापा मम्मी आप खर्च करो पैसे, तो उन्होंने सब पैसे डाल दिए। अब मान लो तुमने 100 रुपये दिए, तुम्हारे छोटे भाई ने 200 रुपये दिए, उसने 300 रुपये दिए, सबने रुपये दिए, जब मम्मी खर्च करेगी तो ये ध्यान थोड़ी रखेगी कि किसका नोट था कौन सा, वो तो कहेगी पैसे हमारे पास 500 रुपये हैं, मान लो मम्मी को खर्च करेंगे, या 5 लाख रुपये जैसे भी तुम्हारी सैलरी हो जाए। ठीक, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि किसी भी इंडिविजुअल एटम की आइडेंटिटी लूज हो जाती है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं और अपनी आइडेंटिटी लूज करके क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते ही जो इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं, ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं। ठीक, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इन्हें कंबाइन करने के लिए तो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दो मेथड्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करने के लिए, एक तो होता है LCAO और दूसरी होती है यूनिफाइड अप्रोच। यूनिफाइड अप्रोच, ठीक, हमें केवल LCAO पढ़ना है। LCAO का मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है LCAO। अब जब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगा तो क्या होगा कि दो तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसा होगा, या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव होगा। होगा, अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उससे BMOs जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है, क्योंकि अब जो बात होगी भाई सारी वो सारी वेव मैकेनिक्स से होगी, यानी क्वांटम मैकेनिक्स से चलेंगे, तो सब कुछ हम लोग इंटरफेरेंस वेव्स का करा रहे हैं, ना कि पार्टिकल का। ये बात भी ध्यान रखनी है, पार्टिकल का इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, किसका इंटरफेरेंस हो रहा है, वेव का हो रहा है इंटरफेरेंस। ठीक, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इससे बनेंगे ABMO। ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, और क्या बन गया हमारे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। अब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ये स्टेबलाइज्ड होंगे, ये मोर स्टेबल होंगे और ये लेस स्टेबल होंगे। इन्हें हम लोग स्टार से लिखेंगे और इन्हें नॉर्मली लिख देंगे। ठीक, तो स्टार का मतलब क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। इतनी बात समझ में आ रही। तो जैसे अगर हम कहते हैं कि एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल से कंबाइन किया तो वो दो ऑर्बिटल बनाएगा, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना देगा और एक, ये सिग्मा बॉन्डिंग बन गया BMO, और ये सिग्मा स्टार यानी कि क्या बन गया, ABMO बन गया। इसे 1s लिख लेते हैं और इसे भी 1s लिख लेते हैं। ठीक, अब हमें इनकी ओवरलैपिंग पे एडवांस में क्वेश्चन आते हैं। अब कठिन बात पे क्वेश्चन आएगा
कि इनकी ओवरलैपिंग हो कैसे रही, SS ऑर्बिटल अगर आपस में कंबाइन किए तो उन्होंने बॉन्डिंग करते समय कैसी शेप बनाई, कितने नोड आए उनमें, इस बारे में डिस्कशन हमारा करना पड़ेगा। और जब एंटी बॉन्डिंग हो रहा था तो कितने नोड आए, क्या हुआ, इस बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे डिस्कशन, शुरू करते हैं। तो फिर से एक बार लिखते हैं SS ओवरलैपिंग। यहाँ से सवाल आएगा भाई, ध्यान रखना, आ चुका है और फिर आएगा। SS ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि एक ऐसा ऑर्बिटल ले लिया, यहाँ पे प्लस साइन लगाया, और दूसरा भी ऐसा ऑर्बिटल प्लस ले लिया। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस थी जो हम लोग पहले से ही जान रहे हैं अब तो। तो ये दोनों आपस में मिल गए और उन्होंने एक बड़ा सा ऑर्बिटल बना दिया, ठीक। इसमें दो न्यूक्लियस हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये सिग्मा बॉन्डिंग बन गया। कैसा बन गया, सिग्मा बॉन्डिंग बन गया, सिग्मा बॉन्डिंग बन गया, और इसमें कोई नोड नहीं है, कोई नोड, नोड इज द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। नोड जानते हो, यहाँ पे लिख देते हैं, नोड क्या होता है, नोड इज द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो इसमें कोई नोड नहीं है, नो नोड लिख देते हैं इसमें, इसमें कोई नोड नहीं है, ठीक। अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो इसे ये कैसे कहेंगे, ये कैसा ऑर्बिटल है, गैरेड ऑर्बिटल है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब जी, जैसे तुमने T2G और EG लिखा था वो यहीं से आ रहे थे, जी स्टैंड्स फॉर गैरेड। गैरेड जब वो पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा, अगला चैप्टर तो हमारा शायद कोऑर्डिनेशन ही है शेड्यूल में, तो वो भी करेंगे हम लोग। तो दूसरा तरीका क्या था कि ये एक ऐसा ऑर्बिटल कंबाइन करे अपने अपोजिट फेज वाले ऑर्बिटल से, माइनस का मतलब फेज अपोजिट है, नेगेटिव साइन नहीं है उसका। तो क्या होगा, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो दोनों के साइज होंगे छोटे, क्योंकि इंटेंसिटी कम हो जाएगी, दोनों के साइज छोटे होंगे, और बीच में क्या जाएगा, एक ये नोडल प्लेन आ जाएगा। क्या आ गया, एक नोडल प्लेन आ गया, और इससे बन गए क्या हमारे, सिग्मा स्टार बन गया है। सिग्मा स्टार मतलब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं पीपी ओवरलैपिंग की, SS ओवरलैपिंग कर ली, इसे कुछ हेडिंग तरह से डाल लेते हैं। फिर अब बात करते हैं पीपी ओवरलैपिंग की, पीपी ओवरलैपिंग अगर हम करें तो वो तो दो तरह से हो सकती, कोएक्सियल और कोलैटरल, ऐसा कर सकते हैं। तो इससे जो ऑर्बिटल बनेगा वो कैसा बनेगा, टॉफी की शेप का बन जाएगा, ठीक, और दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ होंगे, तो ये कैसा बन गया, ये सिग्मा बॉन्डिंग बन गया, ठीक। इसमें नोड कितने हैं, नोड ये रहे इसके नोड, एक दो, ये नोड है इसके, ठीक है। तो इसमें दो नोड आ गए हमारे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगर ये इसका हम एंटी बॉन्डिंग बनाए तो एंटी बॉन्डिंग कैसा बनाएंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और प्लस का साइन तो लगाएंगे ही, और यहाँ पे माइनस प्लस कर देंगे। जब माइनस प्लस कर देंगे तो देखो भाई ड्राइंग कैसी बनेगी, ये लोब तो बड़ा ही रहेगा, ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिवली मीट कर रहा है। तो इसमें नोड कितने आ जाएंगे, एक दो और तीन, तो ये सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग हो गया, ये सिग्मा स्टार क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग हो गया। ये आसान बात है, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब पाई बॉन्डिंग की बात करते हैं, पाई अगर बॉन्डिंग हो रही है, पाई बॉन्डिंग अगर हो रही है तो पाई बॉन्डिंग में क्या होगा कि परपेंडिकुलर टू द एक्सेस बॉन्डिंग होगी, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इन दोनों ने आपस में कंबाइन किया और क्या बना दिया, एक ऑर्बिटल ऊपर मोटा सा बन जाएगा प्लस का, और एक नीचे बन जाएगा, और ये कैसा, ये है नोड हमारा, ठीक है। डैश डैश लाइन से जो भी बना रहा हूँ वो नोड बना रहा हूँ, ठीक।
अब अगर एंटी बॉन्डिंग, तो ये पाई बॉन्डिंग बन गया भाई। अगर पाई एंटी बॉन्डिंग बनाना है तो क्या करेंगे, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या होगा, इन दोनों की अब शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया। तो देखो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आ गई और नोड भी आ गए, तो ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग हो गया। ठीक, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं वो लोअर एनर्जी के होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग करस्पॉन्डिंगली कैसे होंगे, रिलेटिवली हाई एनर्जी के होंगे। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। हम लोगों के सिलेबस में जो है, हम लोगों के सिलेबस में, अच्छा एक एग्जांपल अगर और देख लें, इसी तरह से डी को भी देख सकते हैं। अगर पी के साथ डी ओवरलैप करे तो, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस बॉन्डिंग हो रही है, ये कैसा बन जाएगा, ये पाई बॉन्डिंग बन जाएगा। अगर प्लस माइनस का साइन चेंज होगा या कलर चेंज होगा तो क्या कह देंगे, एंटी बॉन्डिंग बन रहा है। सिंपल बात है, एडवांस में आया वो क्वेश्चन, उसे डिस्कस भी करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। हमारे सिलेबस में कैसे एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। एमओटी की जरूरत इसलिए और पड़ी कि एमओटी ही O2 के पैरामैग्नेटिक होने का प्रूफ दे पा रही थी, बाकी VVT और वेस्पर के बस की बात नहीं थी कि O2 को पैरामैग्नेटिक प्रूफ कर दें। ठीक, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से, कि ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक, इस केस में sp मिक्सिंग नॉट ऑपरेटिव होती, इस केस में sp मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं होती, ध्यान रखना। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने होंगे, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो यहां लिख लेते हैं फॉर 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो आता है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर लिखेंगे π2px = π2py, σ2pz, फिर π*2px = π*2py, नीचे लिख देते हैं π*2px, इसके बाद नीचे लिख रहा हूँ ना इधर साइड से, या एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा शिफ्ट ही कर लेते हैं, पूरे ही आ जाएगा इसमें, π*2px = π*2py और फिर σ*2pz। 14 तक लिखना है, तो अगर हम 14 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए लिखें, नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 7, 7, 8, 14 हो गए, तो इसे लिखेंगे σ1s2 σ*1s2, चार हो गए, σ2s2 σ*2s2, π2px = π2py, 1, 1, +1, +1, हंस रूल को ध्यान में रखते हुए लिख रहे हैं, और फिर σ2pz2, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके। अब बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब किस ऑर्डर का बॉन्ड है, अगर एक बॉन्ड है तो वो फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड है तो दो ऑर्डर के, तीन है तो थ्री ऑर्डर के बॉन्ड है, इसी तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया वो कितना हो गया, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब काउंट करना जरा भाई बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, 1/2, बॉन्डिंग में कितने थे काउंट करो, 2, 2, 4, 4, 8 और 2, 10, तो हमने लिख लिया 10,
और एंटी बॉन्डिंग में फोर थे तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया थ्री। और देखो नाइट्रोजन में तीन ही बॉन्ड होते हैं, इतनी बात समझ में आनी चाहिए आसानी से। इसी तरह से फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिख लेते हैं, आगे लिख लेते हैं फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, ठीक। फिर पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, फिर लिखेंगे पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py और लास्ट में सिग्मा 2p स्टार 2pz लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गए फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ध्यान रखना सिग्मा 2pz एक में आगे चला जाता है और एक में पीछे आ जाता है, ठीक। अब अगर हमें O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 16 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, 1 1 1 प्लस 1। देखो इस आदत से लिखने से ना सॉरी तो फायदा मिलेगा, ठीक। फिर ये पाई 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py हो गया, और इसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे किसके हिसाब से, हंस रूल के हिसाब से। तो देखो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या आ गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये कैसी हो गई, पैरामैग्नेटिक हो गई, ठीक है। तो हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब हमें तो क्वेश्चन जल्दी करना है, तो उसके लिए ट्रिक फंडा देते हैं। फॉर 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ट्रिक है ना, काम करेगी, हमेशा इसलिए लिख रहा हूँ ना। फॉर 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है 1/2 10-4। ट्रिक क्या मतलब, मैंने उसे जल्दी से लिख दिया बस, तो 3 हो गया। अब ये 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए था, अगर हम 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखें तो क्या करो, 10 को होल्ड कर लो और एक एक नंबर बढ़ाते जाओ। 10 को होल्ड रखना है भाई, ध्यान रखना किसे होल्ड रखना है, 10 को होल्ड रखना है। 17 के लिए क्या आ गया, वो अब्बा बब्बा मत याद कर लेना यार, है ना। 18 के लिए क्या आ गया, आराम से। और इस फॉर्मूले से तुम्हें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट होते जा रहे हैं, ध्यान से देखो 10 कौन सा है बॉन्डिंग और 8 कौन सा हो गया एंटी बॉन्डिंग। और 20 के लिए 0 आएगा, यानी कि 20 के लिए कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अब अगर ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और उससे ज्यादा के लिए, इतनी बात तो बात समझ में आ रही कि ये 14 इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा के लिए बात हुई। अब अगर इससे कम इलेक्ट्रॉन हो जाए ऐसा भी तो हो सकता है, पीछे जाना पड़े हमें। तो अगर हम 13 इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, इस बारी जब हम नीचे बढ़ेंगे तो 4 को होल्ड कर लेंगे, इधर कम करना शुरू करेंगे। 13 के बाद आ जाएगा 12, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1/2 8-4 11 7-4 कितना आ गया 1.5। 10 के लिए 1/2 6-4 9 के लिए 1/2 5-4 और 8 और उसके नीचे के लिए तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद ही रख सकते हैं, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, तो काम खत्म हो जाएगा हमारा, सिंपल है, इजी है। तो इससे हम लोग बता पाएंगे कि कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर क्या है। अच्छा, जो बॉन्ड ऑर्डर निकल आया, अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ के भी हम लोग क्वेश्चंस आसानी से कर देंगे इससे।
लिख लेते हैं ऑल इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग स्पीशीज आर डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट ओ टू बी टू एक्सेप्ट 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड 10 एंड 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। ठीक है, एडवांस में एक बार सल्फर के लिए पूछ लिया था H2B कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर भी वो पैरामैग्नेटिक होता है, ऐसे लिख नहीं रहे। ठीक, ऑल की जगह इन जनरल लिख दूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, सब सही हो जाएंगे इन जनरल। कोई एक्सेप्शन केस क्योंकि केमिस्ट्री है कुछ ना कुछ आ ही सकता है, लेकिन इन जनरल नहीं आता, H2 आया था तो वो एडवांस क्वेश्चन में डिस्कस हो चुका, अब हो जाएगा उसमें डिस्कस। मतलब कि अब क्या करना है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग स्पेसी, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल्ड होते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ जानी चाहिए, आराम से, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। अब अगर सवाल ऐसा आ जाए कि एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि CO प्लस CO का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 3 होता है और CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है, तो ये याद रखना, भूलना मत, ठीक, ध्यान रखना, रिमेंबर लिख देते इसके आगे। इसीलिए सीओ को इलेक्ट्रॉन देने में बहुत मजा आता है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सीओ की अलग से चलती है ना। अब अगर हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर पूछ लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया कि SO4 2- में SO बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो हम घबरा जाएंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे, SO4 2- का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, टोटल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ टोटल कोवेलेंट बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए ये भी फॉर्मूला एक है। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 6 है डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 1.5 आ गया। अगर कोई कहते Cl4 2- में निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा Cl और O बॉन्ड पे, तो Cl4- कैसा बनेगा, Cl4- ऐसा बनेगा, तो कितने बॉन्ड आ गए, 7 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 1.75। तो इस तरह से भी हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने पूरी केमिकल बॉन्डिंग कर ली, मेन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सारे पढ़ लिए। ठीक, कुछ अगर रह रहा हो तो बताना, हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में उसे कर लेंगे, लेकिन आज ही कमेंट कर देना तो मैं क्वेश्चन वाले वीडियो में उसे उठा लूँगा आराम से। ठीक है, प्रॉब्लम डिस्कशन शीट में उसे उठा के खत्म करूँगा, लेकिन आज शाम तक इसे कमेंट, मतलब वीडियो देख के तुरंत ही कमेंट करना कि भाई ये करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के लिए, जिसमें हम लोग PYQs डिस्कस कर रहे होंगे और उसके अगली में हम लोग एडवांस की शीट जो मैंने आज डाली है उसे आप लोग लगाएंगे, PYQs वाली शीट पहले घर पे लगाएंगे फिर वीडियो देखेंगे। थ्योरी वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट अलग होंगे जो तुमने नहीं पढ़े होंगे वो मैंने बताए होंगे। ठीक, तो उससे भी थोड़ा तुम्हें आराम मिल जाएगा और सवाल लगाने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।